हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, जो आप लोग मुझे बहुत बार पूछ रहे हो, कमेंट करके भी पूछ रहे हो, मैसेज करके भी पूछ रहे हो कि भैया नहीं एनसीईआरटी से पढ़े कि पूरा नहीं एनसीईआरटी से पढ़े, उसी का जवाब आपको चीज़ें समझाते हुए कि क्यों कौन सी बुक जो है आपको प्रीफर करनी है, न्यू लेनी है तो क्यों लेनी है, ओल्ड लेनी है तो क्यों लेनी है, सारी जो है बातें सही ढंग से बताऊंगा, है ना। और कुछ मुझे ये पूछ रहे हैं कि स्टेट बोर्ड की बुक भी चल जाएगी क्या, तो उनके लिए मैं पहले ही बोल दूं, स्टेट बोर्ड वाली चाहे वो एक जैसी दिख रही हो आपको कि हाँ ये टॉपिक तो सेम सेम ही है, वो मत पढ़ना, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाली नहीं पढ़नी है, जो एनसीईआरटी बुक है सिर्फ वही पढ़नी है आपको। पहली बात तो यही क्लियर होगी कि आपको जो स्टेट बोर्ड, हाँ इसमें तो यार इसमें एनसीईआरटी में टॉपिक सेम है तो मैं स्टेट बोर्ड वाली पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ना ना, स्टेट बोर्ड वाली आपको नीट के लिए नहीं पढ़नी है, आपको अपने स्टेट एग्जाम के लिए, ट्वेल्थ एग्जाम देनी है उसके लिए आप पढ़ सकते हो ना, लेकिन नीट के लिए स्टेट बोर्ड की बुक नहीं पढ़नी है, पहली बात। अब बात करते हैं एनसीईआरटी कि भैया जो नई एनसीईआरटी आई है वो हम खरीद लें, उससे हम पढ़ें, या फिर पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ें। चलो उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ देखो, जो एग्जाम है ना, एग्जाम जो है ना उसका जो सिलेबस है, ठीक है, एग्जाम का जो सिलेबस है, कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, नीट की बात कर रहा हूं जी, नीट की बात कर रहा हूं, नीट एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है भैया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है अभी ओल्ड एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी तो चेंज हो गई, तो अभी तक सिलेबस नया जो अपडेट होकर वो नहीं आया है। कब तक आने की उम्मीद है जी? दिसंबर तक मान सकते हैं कि दिसंबर तक नीट के फॉर्म आएंगे, ठीक है, दिसंबर तक क्या है नीट के आ जाएंगे, फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसी के साथ वो क्या बता देते हैं कि भैया क्या है आपका रहने वाला है? अगर देखो ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ना एनटीए एनटीए, अगर ये अभी बता दे कि भैया ये सिलेबस होने वाला है तब तो लोग पढ़ लेना, लेकिन उनको पता है कि हाँ अपन आराम से चिल मारेंगे और बाद में अपन बताएंगे इनको, ठीक है, इनको एकदम से सरप्राइज करेंगे, उनकी ये मतलब ये टाइम पर काम नहीं करते, टाइम पर इनकी काम करने की आदत ही नहीं है ना, वही गवर्नमेंट वाले काम ढीले डाले, ठीक है। तो ये जो एनटीए ये सही से बताएगा नहीं है, ठीक है, तो ये कब बताएगा, ये जब फॉर्म निकालेगा तब बताएगा। अब दिसंबर तक की बात है, अब कुछ टीचर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, दिसंबर तक जो है आप जो चैप्टर्स हटा दिए हैं उनको मत पढ़ो, दिसंबर बाद अगर वो चैप्टर ऐड हो जाए तो उनको पढ़ लेना, अगर हट जाए तो आपने बढ़िया बात, आपने पढ़नी नहीं रखे, ठीक है। कुछ टीचर्स ये बोल रहे हैं कि आप सारा कुछ पढ़ लो, ठीक है, दिसंबर के बाद में अगर वो आ गए तो आपने पढ़ लिया तो कोई गुनाह थोड़ा ना कर दिया, उनमें से कुछ ना कुछ रिलेटेड तो चीज आएगी, ये बात भी उनकी भी ठीक है। मेरा क्या मानना है, देखो मेरा क्या मानना है मैं अपना बता दूं, अगर आपने देखो मेरा, मैं सिलेबस भी अलग स्टाइल से करवा रहा हूं ना, मैं दिसंबर तक पकड़ूंगा ही नहीं, मैं देखो मैं सिलेबस करवा दूंगा, मैं बायो की बात करूं, मेन बायो और केमिस्ट्री में ही हटे हैं चैप्टर, है ना, बायो और केमिस्ट्री में ही चैप्टर जो है वो हटे हैं, इनकी मैं बात कर लूं, तो बायो और केमिस्ट्री में है ना सिलेबस ही खत्म हो जाएगा दिसंबर से पहले, तो क्या हमें नहीं पढ़ने वो चैप्टर्स? तो मेरा यह मानना है कि सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्वेल्थ क्लास में तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, और अगर आप ट्वेल्थ पास कर भी रखी है तो आपको वो पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? देखो केमिस्ट्री के अंदर तो आपको वो चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, आप चाहे उनको स्किप करो चाहे मत करो ना, आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, तो उस केमिस्ट्री के अंदर तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर बात हुई बायोलॉजी की, बायोलॉजी के अंदर यार बहुत छोटे छोटे चैप्टर है ना वो डिलीट हुए हैं, ठीक है, तो वो उनको अपन क्या स्किप कर दें, क्या ही स्किप कर दें, है ना, तो पढ़ने से क्या जा रहा है? अगर अपन दिसंबर से पहले वाले दिसंबर के अंदर ये फॉर्म आ जाए, दिसंबर के अंदर मान लो फॉर्म आ गए, उस टाइम पर वो सिलेबस बताएं, ठीक है, अपन उससे पहले एक बार अपन ने सिलेबस कर लिया तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया। अगर मान लो दिसंबर के अंदर उन्होंने बोला कि भाई ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, आपने पढ़ लिए, अब रिवीजन मत करना यार उनके, रिवीजन मत करना उनका, ठीक है, पढ़ो तो इतना तो रहे कि हाँ हटाए जाए नहीं हटाए अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने सारा पढ़ा भाई, ठीक है, वरना लास्ट तक तो ये रहेगी हाँ यार ये चैप्टर तो हुआ ही नहीं, ये चैप्टर तो हुआ ही नहीं, ये चैप्टर मान लो उन्होंने ऐड कर दिए भाई कि चैप्टर तो सारे आएंगे, किताब में हो या ना हो, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ो, हम तो सारे चैप्टर देंगे, तब क्या करोगे फिर लास्ट में, हाँ ये लो दिसंबर के बाद में बैठे हैं ले, ठीक है, फिर दिमाग खराब होगा कि हाँ सर ये तो कराओ ये तो कराओ ये तो कराओ, इससे बढ़िया है सारे आराम से पढ़ने। तो बात कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन भैया इतना ही है कि आपको पुरानी एनसीईआरटी रखनी है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, अभी नई एनसीईआरटी नहीं लेनी है,
जब अगर दिसंबर में सिलेबस में चेंजेस आएंगे तो नई एनसीईआरटी खरीद लेंगे यार, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, नई एनसीईआरटी ले लेंगे, पढ़ सा रखा अपन ने, एनसीईआरटी में कोई नया चीज ऐड हुई नहीं है, पुरानी चीजें हटाई गई हैं। ठीक है, तो अपन ने तो सारा कुछ पढ़ रखा है ना, अपने लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो के फायदे में रखोगे। अब एक क्वेश्चन और आता है यार ना कि भैया जो पेपर है वो इस बार एनसीईआरटी से बाहर आएगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। देखो ये कोई भी नहीं बोल सकता कि ये यहाँ से ही पेपर आएगा ना, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से पेपर जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, तो ये टेंशन मत लेना, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। ठीक है, बाकी आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पर फोकस करना, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस ये इतना काम करना है। तो वीडियो अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।